हाय गाइस, दिस इज वन एंड ओनली यार ओवरचेटी भारद्वाज। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे द मोस्ट हैंडसम हंग हिमेश रेशमिया सर का। आज थर्ड एल्बम का फर्स्ट टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है जिसका नाम है सुरूर। तो गाइस, ऑलरेडी काफी दिनों से हिमेश रेशमिया सर की थर्ड एल्बम का फर्स्ट टाइटल ट्रैक सुर्खियों में था, काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए थे सभी के माइंड में कि यार कौन सा गाना आज 11 जून 2021 में रिलीज होने वाला है। तो हम लोगों ने इसके बेस पर भी काफी वीडियो बनाई थी, हम लोग लाइव भी आए थे, हम लोगों ने खूब बातें करी। तो फाइनली आज गाना रिलीज हो चुका है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कैसा लगा गाना, क्या है इसके लिरिक्स, किसने लिखे इसके लिरिक्स, कहां पे ये शूट हुआ है, एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और हमारे जो वीडियो है वीडियो में बेसिकली इस गाने की थीम क्या रखी गई है, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में बतौर अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मजेदार। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा ताकि आपको मेरे सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का टाइटल ट्रैक सुरूर 2021 का फर्स्ट सॉन्ग जिसका नाम ऑलरेडी सुरूर तेरा। तो बेसिकली इसके ट्यून है, किस तरह से एग्जैक्टली गाना है सब कुछ हम लोग बतौर डिस्कस करने वाले हैं, सुनने भी वाले हैं, वीडियो के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो के अंदर में क्या देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी सुरूर 2021 द फर्स्ट सॉन्ग। तो गाइज मैंने अपना YouTube तो खोल लिया है, प्लस आप भी अपने YouTube से हिमेश रेशमिया मेलेडीज पे जाके जरूर चेक कीजिएगा गाना कैसा अगर आप लोगों ने अब तक नहीं सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना गाना। जय माता दी लेट्स रॉक लिखा आता है बेसिकली। वाओ, HR प्राइवेट जेट में दिखाए गए। खैर इस वीडियो में VFX का काफी अच्छे से यूज करा गया है, जाके जरूर देखिएगा वीडियो। एंट्री हो चुकी है हमारे हिमेश रेशमिया सर की ब्लैक टॉपी में, ब्लैक जैकेट में, और क्रूज का सीन भी यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें नेक्स्ट में बैठी है हमारी उदिति सिंह क्रूज के अंदर ही, जैसे मैं कह सकता हूँ। ये आ गया हमारा दुबई का पार्ट। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी, हिमेश रेशमिया एज अ बिजनेसमैन दिखाया गया, द बिजनेसमैन सुरू 2021 द एल्बम अब लिखा जाता है। वाओ स्टार्ट हो गया, दुबई वाली फीलिंग पूरी आने वाली गाइस। मैंने वीडियो चलाया हुआ है, ऑडियो नहीं। क्या आइलैंड बना रखा है गाइस, सीरियसली वीडियो मैं पोज कर करके आपको बताता रहूंगा वैसे ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। गाइस वीडियो की बात करें तो गाइस इसमें हिमेश रेशमिया सर जैसे आपने दुबई में पाम आइलैंड देखा है तो इसमें लव आइलैंड आप कह सकते हैं, दिल बने हुए हैं, तो काफी अच्छे से इन्होंने शूट करा हुआ है सीरियसली। और उस पर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है लव और उसके अंदर दो पूल बने हुए हैं। उदिति सिंह की एंट्री, हिमेश रेशमिया बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। आगे हमारे हिमेश रेशमिया पुराने वाले स्टाइल में इस तरह करते हुए कम्स बैक इन ओजी स्टाइल, यानी के तो गाइस वीडियो तो होने वाली है दासूम पहले ही कहने जा रहा हूं मैं। गाइस अगर आप लोग कभी डेजर्ट सफारी गए हैं उसके अंदर गाड़ी किस तरह से चलती है वैसे अभी चलाई जा रही है रेंज रोवर। आगे हमारे हैंडसम अंगी हिमेश रेशमिया फर्स्ट लुक में बिना कैप के हैं, ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखी है और सिक्स पैक एस भी दिख रहे हैं, चेस्ट भी दिख रही है गाइस, ऑसम हेयर स्टाइल भी ऑसम 2021 स्टाइल।
बेसिकली इस गाने में हमें अभी तक दो इमेज स्टेशन में दिखाई गए और एक उदिति सिंह दिखाई गई है। एक सिंगल इमेज स्टेशन में जो टोपी पहनकर आते हैं और अपनी लवर की याद में गाना गा रहे हैं, प्लस एक इमेज स्टेशन में जो रोमांस करते हुए इसमें नजर आते हैं एज अ कपल नजर आते हैं उदिति सिंह के साथ, और बाकी डांसर्स जो इमेज स्टेशन में सबके चारों तरफ गा रही है। गाइस कितने मस्त VFX दिए हुए हैं, देखिए सुरूर किस तरह से, मैं आपको साइड में दिखाता हूँ सुरूर कितने स्टाइलिश वे में लिखा हुआ है। आग 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 तो लग चुके गाइस। वाओ यार सीरियसली, एक इमेज स्टेशन में सर ऊपर एयर बलून में उदिति सिंह के साथ रोमांस कर रहे हैं और एक इमेज स्टेशन में सर नीचे टोपी पहन के साथ गाना गा रहे हैं, याद कर रहे हैं उदिति सिंह को। एक्सपेक्टेशन ये है कि इमेज स्टेशन में टोपी वाले जो है हमारे इसमें वो पहले लवर रह चुके हैं उदिति सिंह के एज पर द असम्पशन, और जो नए इमेज स्टेशन में बिना टोपी वाले वो सेकेंड लवर है। हिमेश शिशि में ने रिंग पहनाए उदित सिंह को। ब्रेक गाइस आपको ऑडियो में ये ब्रेक नहीं मिलता है, उसमें कंटिन्यू मिलता है, ऑडियो कुछ अलग सॉरी वीडियो कुछ अलग है, तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हो गई है लाइक गाड़ी में रवाना हुए हिमेश शिशि में टोपी वाले, सी व्यू लुक आ गया भाई। सीरियसली जिसने भी एडिटिंग करी है, नाम बाद में पढ़ेंगे किसने एडिटिंग करी है, बट ऑसम करी है। अब हिमेश शिशिर सर का वो लुक आ रहा है जो आप हिमेश शिशिर सर का हर लुक आप जो कॉन्सर्ट में देखते थे पहले, टोपी पहन के स्टेज के सामने वो खड़े हुए, माइक लेकर वो खड़े हुए, और उनके सामने ऑडियंस है भरपूर करोड़ों की संख्या में ऑडियंस है जो उनको फॉलो करती है बेसिकली, और उन्हीं के बीचों में हिमेश शिशिर सर की एंट्री हो रही है। तेरी आंखों में है नूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा छा गया सुरूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा छा गया सुरूर तेरा सुरूर तेरा सुरूर तेरा। ऑसम यार ऑसम। Seriously awesome यार, मतलब गाना भी खत्म नहीं हुआ है, don't worry guys। इस वीडियो में हमें दुबई का 7-star होटल बुर्ज अल अरब वो भी दिखाई देता है,
और दिवाली तो आ गई है, पटाखे छूट रहे हैं, हिमेश रेशमिया सर की वाइफ, रॉकस्टार्स वाइफ इसमें दिखाई दे रहे हैं अब, और वीडियो होती है यहीं पे, एंड टू बी कंटिन्यूड है गाइस। तो अब करते हैं बातें इसके बारे में, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बेसिकली गाइस, हिमेश रेशमिया के सर की ये जो परफॉर्मेंस होने वाली है ना, धासु परफॉर्मेंस है, डेजर्ट सफारी दुबई में कल लुक इसमें दिया गया, आई डोंट नो शूटिंग कहाँ पे हुई है, गैस राजस्थान या फिर दुबई में ही हुई है। तो इसके अंदर जो लुक दिया गया है वो बेसिकली दुबई का, दुबई जो मिट्टी के जो वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी यार मैं भूल रहा हूँ, डेजर्ट एरिया का बेसिकली लुक दिया गया है इसके अंदर। हिमेश रेशमिया सर का इसके अंदर दो फेज दिखाया गया है हिमेश रेशमिया सर के गाने के, एक तो नॉर्मल दुबई डेजर्ट एरिया और एक नीचे आता है क्लब एरिया। क्लब एरिया में बेसिकली हिमेश रेशमिया सर नाइट परफॉर्मेंस करते हैं जैसे अपने कॉन्सर्ट्स में, तो वैसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है। तो बात करें इसके फर्स्ट फेज की, फर्स्ट फेज में जैसे हिमेश रेशमिया सर की इसमें एंट्री होती है, दोनों हिमेश रेशमिया सर की एंट्री होती है बेसिकली एक ही टाइम पे, एक एंट्री करते हैं प्लेन से, एक एंट्री करते हैं कार से। तो कार से तो जब एंट्री करते हैं हिमेश रेशमिया सर, गाना स्टार्ट तभी जाता है। उदिति सिंह यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, नो डाउट। जो भी इनके मेकअप आर्टिस्ट है और जिन्होंने ये कोरियोग्राफ किया है, जिस तरह से कोरियोग्राफ किया है, काफी ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से इस गाने को कोरियोग्राफ करा गया है। पहले बात करते हैं इनकी टीम की। तो गाइस, सॉन्ग का नाम है शुरू 2021, टाइटल ट्रैक, सिंगर है इसमें हिमेश रेशमिया, म्यूजिक लिरिक्स इसमें है हिमेश रेशमिया सर का, फीचरिंग हिमेश रेशमिया इंट्रोड्यूसिंग उदिति सिंह। उदिति सिंह की ये फर्स्ट वीडियो है हिमेश रेशमिया सर के साथ, तो इसमें उदिति सिंह को इंट्रोड्यूस करा गया है। म्यूजिक प्रोग्रामर्स है इसके अंदर सुहासा सुभासर, प्रियेश वकील एंड ब्राजिन कॉन्ट्रैक्टर। मिक्सिंग एंड मास्टर करा गया है सलमान शेख भाई के द्वारा एचआर म्यूजिक स्टूडियो में। असिस्टेंट मिक्सिंग इंजीनियर है इसमें अनुदर शेमान, इसमें वायलिन बजाया है सुरेश लालवानी ने, सारंगी बजाया है दिलशाद खान ने, शहनाई बजाई है इसके अंदर योगेश मोरे ने। तो गाइज आती है बात गिटार की, तो गिटार बजाया इसमें मनीष कुलकर्णी ने, और बंजो बजाया है इसमें रशीद खान जी ने, इलेक्ट्रिक गिटार बजाया है दीपक सिन्हा जी ने। तो गाइज बात करें इसमें ब्लेसिंग्स किस किस की, मतलब पूरी टीम तो हमने बात कर ली कौन कौन था, अब ब्लेसिंग्स इसमें मिली हुई है हमें हिमेश रेशमिया सर के डैड की और उनकी मॉम की, यानी कि विपिन रेशमिया सर और मधु रेशमिया मैम। वीडियो क्रेडिट्स की बात करें तो गाइज इस वीडियो को डायरेक्ट करा है हिमेश रेशमिया सर ने, प्रोड्यूस करा है हिमेश रेशमिया सर मेलोडीज ने, यानी कि हिमेश रेशमिया सर का जो यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली प्रोड्यूसर है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी इसमें हिमेश रेशमिया सर ने करा है, डायरेक्टरी ऑफ फोटोग्राफी वो है इसके अंदर मनीष भट्ट, और इसके जो कोरियोग्राफर है, मतलब ये जो सारी थीम हमें देखने को मिली वन एंड ओनली राका। राका को अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा, हिमेश रेशमिया सर के 2020 में जो 31 जनवरी को मूवी रिलीज हुई थी हैप्पी आर्ट एंड हीर, उनके डायरेक्टर और कोरियोग्राफर रह चुके हैं मिस्टर राका। तो गाइस बात करें आगे बढ़ते हुए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट है इसमें सोनिया कपूर रेशमिया, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है इसके अंदर जितेंद्र पटेल, फाइनेंस कंसल्टेंट है इसके अंदर चिंतन पटेल, कंसल्टिंग प्रोड्यूसर है इसके अंदर एमपी सिंह, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इसके अंदर हमारे राजेंद्र भाई जी, राजेंद्र भाई हाँ जी, फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर है इसके अंदर राहुल सेठ एंड प्रकाश सेरियो, इन हाउस मार्केटिंग है इसमें रिस्पेक्टेड रवि देसाई सर, इन हाउस ए एंड आर विष्णु अय्यर। बात करें इसके आगे की, टीवी एजेंसी है इसके अंदर AUM एडवर्टीजमेंट, रेडियो एजेंसी है इसके अंदर ओ ऑन एयर मीडिया, हाँ जी ऑन एयर मीडिया, पीआर टीम है बेसिकली इसकी कम्युनिक्यू फिल्म पीआर, लीगल एडवाइजर है इसके अंदर तपस दास गुप्ता, हिमेश रेशमिया मेकअप जिन्होंने किया है वो है गणेश जी, गणेश पल्लव, हिमेश रेशमिया स्टाफ है इनमें हिमेश नीलेश भाई, रोशन भाई और प्रदीप कुमार। बात करें उदिति सिंह के मेकअप की, तो वो करा है असलम सरदार ने, उदिति सिंह हेयर स्टाइलिस्ट रहे हैं जयश्री ठक्कर, और सॉन्ग के प्रोमो की बात, सॉन्ग को प्रोमो एंड एडिटर है इसके अंदर पार्थ वाई भट्ट, और गाइज इस पब्लिसिटी डिजाइन लोकी स्टूडियो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा इनका लिंक, बेसिकली जो पोस्टर डिजाइन हुआ है वो इन्होंने ही करा है मारुति, ये बेसिकली लोकी स्टूडियो, हाँ जिन्होंने लोकी स्टूडियो में जो अवेलेबल थे वो थे सचिन मारुति लोखंडे एंड अतुल जनार्दन तरकार। मेकिंग एंड स्टिल्स स्वप्निल लोके, और बात करें गाइज लिस्ट तो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो मेन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो गाइज वीडियो की बात करें तो हिमेश रेशमिया सर इसमें दो लुक में नजर आ रहे हैं, टोपी वाले बिना टोपी वाले, और उदिति सिंह आज में आ रहे हैं इसमें एक ही स्टाइल में नजर। तो बेसिकली गाइज गाना बेस्ड है, लव बेस्ड सॉन्ग है, हिमेश रेशमिया अपने लवर को याद करते हुए गाना गा रहे हैं, सुरूर तेरा छा गया सुरूर तेरा। तो दो फेज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दो फेज है इस गाने के, फर्स्ट इज डेजर्ट लुक है और सेकंड है नाइट क्लब यानी स्टेडियम, जिस तरह से हिमेश रेशमिया सर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं।
हैं। तो गाइज इसके अंदर दो हिमेश सर हैं, बेसिकली इसके अंदर काफी ज्यादा धमाकेदार ये वीडियो बनाई गई है, VFX का काफी अच्छे से यूज करा गया है। हिमेश सिसोदिया सर का जो लुक है वो माइंड ब्लोइंग है। हिमेश सिसोदिया सर की इसमें दो तरह से एंट्री होती है, कार से एंट्री होती है और एक प्राइवेट जेट से एंट्री होती है। हिमेश सिसोदिया सर की जो प्राइवेट जेट एंट्री है वो धमाकेदार है, नो डाउट, वो कमाल के लग रहे हैं। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने पुराने स्टाइल में, पुराने अंदाज में, काबिले तारीफ है, नो डाउट। और सेकंड हिमेश सिसोदिया सर की बात करें तो बेसिकली सारा गाना उन्हीं पे बेस्ड है। उन्होंने ही लाइक इस गाने के अंदर उदिति सिंह के साथ हमारे बिना टोपी वाले हिमेश सिसोदिया सर दिखाई दिए गए हैं। जो हमारे टोपी वाले सर है वो एक बार भी हिमेश सिसोदिया सर वो वाले हिमेश सिसोदिया सर उदिति सिंह के साथ दिखाई नहीं दिए गए हैं। तो गाइज बात करें इसके मेन लाइक आप लोगों ने गाने तो ऑलरेडी सुन लिए होंगे गाइज, आपने अगर हिमेश सिसोदिया सर के पुराने गाने सुनेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लगी छूटे ना आरज़ू आरज़ू, ये शब्द काफी ज्यादा रहे हैं हिमेश सिसोदिया सर के पुराने गानों में चर्चित में। तो गाइज इन शब्दों का काफी अच्छे से हिमेश सिसोदिया सर ने यूज करा है, नो डाउट। सुरूर पहले रहता था तेरा सुरूर, अब है सुरूर, सुरूर तेरा, सुरूर तेरा, सुरूर तेरा, तो इस तरह से गाने का बेसिकली कंपोजिशन चेंज करा गया है, तेरा सुरू से सुरूर तेरा। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी लाइन जो मुझे लगी, लागी छूटे ना, ये पुराना हमारा एक गाना है जिस आई गेस रॉकी मूवी का, लगी छूटे ना, लगी छूटे ना, तो उस गाने के इसके अंदर पुराने की पूरी याद आ गई गाइस। सीरियसली इसके अंदर जो VFX डाले गए हैं कमाल के डाले गए हैं, राका भाई ने काफी ज्यादा अच्छे कोरियोग्राफी करी है, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी इस गाने से उससे कहीं ज्यादा ऊपर के लेवल की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरा है ये गाना। हिमेश सिसोदिया सर का ऑडियो तो रात को ही रिलीज हो गया था हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है अभी भी तो मैं उन सभी प्लेटफॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो है हम 7 मिनट की और ऑडियो है हमारा 5 मिनट का। जिसको सिर्फ ऑडियो सुनना है तो वो ऑडियो जाके सुने, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा ऑडियो के चक्कर में माइंड ब्लोइंग कंपोजिशन वाली वीडियो देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा ही मजेदार है। गाना हम लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है, लिरिक्स काफी ज्यादा ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। मेरी आंखों में तेरा, मतलब जिस तरह से, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार बताने के लिए, इतने खूबसूरत तरीके से हिमेश सिसोदिया सर ने लिखे हैं गाने। शुरू और गाइज इसके अंदर लास्ट में जो दिखाया गया है इसके अंदर, और हाँ इसके अंदर दुबई के हर एक अट्रैक्टिव पॉइंट के बारे में दिखाया गया है। लाइक दुबई में बेसिकली आपको पाम आइलैंड मिल जाता है जो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड है, तो इसके अंदर इस लाइक वीडियो में आपको आर्टिफिशियल आइलैंड दिख जाता है, लव आइलैंड जिसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर दिल बने हुए हैं दो और काफी खूबसूरती से उसको बनाया गया है, दिखाया भी गया है। बुर्ज अल अरब यानी कि दुबई का 7-स्टार होटल जहाँ पे रहना एक सपना ही है, 21 लाख पर डे आपको पे करने पड़ते हैं, वो भी इस वीडियो में दिखाया गया। और बैकग्राउंड में लास्ट जब इसकी एंडिंग होती है टू बी कंटिन्यूड दिखाया गया, रॉक स्टार्स की वाइफ दिखाई गई है, पीछे दिवाली जैसा सीन दिखाया गया है, पटाखे छूट रहे हैं, क्रैकर छूट रहे हैं, रॉकेट छूट रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। तो मुझे तो लगा ये गाना काफी ज्यादा बेहतर है एक्सपेक्टेशन से भी सुपर से ऊपर। अब बात करें हिमेश सिसोदिया सर के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको भी तो जवाब देना बनता है ना भाई। तो गाइस देखिए आप लोगों को नहीं है जो भी यहाँ पे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कमेंट कर रहा हूँ जो फालतू बोले जा रहे हैं। गाइस देखिए सिंपल सी बात है, जिनको म्यूजिक की नॉलेज है, जिनको म्यूजिक की समझ है, जो HR से दिल से कनेक्टेड है, जो HR के टैलेंट की कदर करते हैं, उनको तो ये गाना आज भी पसंद है, पहले भी पसंद थे उनके सारे गाने। अब बात करें काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि समीर जी के लिरिक्स होते, इसके लिरिक्स होते, उसके लिरिक्स होते, गाइज होते कोई टेंशन नहीं है यार। कल को तुम लोग कहोगे सर पुराने वाले कपड़ों में नजर आए जो 20 साल पहले पहनते थे, तो भाई वैसा तो हो नहीं सकता ना। लिरिक्स चाहे किसी की भी हो, गाया तो हमारे हिमेश सिसोदिया सर ने, ये कंपोजिशन तो उन लिरिक्स की हिमेश सिसोदिया सर ने ही करी थी। अब गाइज यहाँ पे काफी सारे हेटर्स भी बोलने वाले हैं कि गाने में दम नहीं है, फलाना डिंगाना, भाई गाने में दम है तभी तुम लोग जल रहे हो इतना। तुम लोगों को वही पसंद है आज के टुच्चे मुच्चे, वो बादशाह और वो तनिष बागची, उन लोगों के गाने सुनिए, जाके रीमेक करवाइए फलाना डिंगाना। म्यूजिक की नॉलेज जिनको नहीं है आप उनके पास ही जाके खुश हैं। टी सीरीज आजकल क्या कर रहे हैं, उनके पास ओरिजिनल कंटेंट तो है नहीं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि रीमेक डाल रहे हैं। तनिष बागची हो गया, अभी जुबिन देखिए उनकी आवाज काफी अच्छी है, बट उनकी टी सीरीज अब उनको यूज करेगा फिर टाटा बाय बाय कर देगा, थ्रो बैक कर देगा। तो गाइज हेटर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, फक ऑफ, बाढ़ में जाओ यार, तुम लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है। HR आ चुके हैं और सबकी बोलती बंद हो चुकी है, वीडियो ने प्रूफ दे दिया है HR किस लेवल पे स्टैंड करते हैं।
तो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गाने में कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा फेवरेट लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे मेन बात, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो जरूर करना ही करना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाइएगा मत। प्लस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस हफ्ते अपने सभी यूट्यूब मेंबर्स को, जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन बटन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए मेंबर्स, उन सबको फ्री में टॉपिक। फ्री टॉपिक क्यों? जस्ट बिकॉज हिमेश रेशमिया सर की आज एल्बम रिलीज, एल्बम का फर्स्ट ट्रैक रिलीज हुआ है, इसलिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप अभी भी तक ज्वाइन नहीं करिए तो ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको इसी तरह के गिव अवे मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा होगा हिमेश रेशमिया सर का नेक्स्ट गाना, कमेंट बॉक्स में आप गैस करके बता सकते हैं। तब तक जय माता दी, लेट्स रॉक।